और इसके अंदर एक स्पेशल चीज है, यहाँ पे थोड़ी सी आफ्टर मार्केट लाइटिंग की है, यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर सनरूफ मिलता है। Hey guys, welcome back to another video. मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, जिसका नाम है शेवरलेट क्रूज़। कई लोग इस गाड़ी को डीजल रॉकेट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको इस गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छी पावर देखने को मिल जाती है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो शेवरलेट कंपनी जो ये इंडिया में बंद हो चुकी है, तो हमें इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेंगे। तो आपके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो थोड़े अगर आप ढूंढें तो आपको मिल जाते हैं। हालांकि मतलब आपको आसानी से स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट जो पार्ट्स हैं वो मिल जाते हैं और इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी का एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी की जो है कंप्लीट कंडीशन भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये गाड़ी जो है नासिक के कार मॉल में सेल पे अवेलेबल है एज ए सेकेंड हैंड कार, तो आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो मैं इस वीडियो के अंदर जो आगे बताने वाला हूँ। और इस गाड़ी के ऊपर आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन मिलता है, तो मतलब आप इस गाड़ी के ऊपर फाइनेंस भी कर सकते हैं, आप इसको कम प्राइस में ले सकते हैं और बाकी के अमाउंट आप ईएमआई थ्रू भर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। कई लोगों का कहना रहता है कि जो सेकेंड हैंड कार्स रहती है वो कैश में उठानी पड़ती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी के ऊपर आपको जो ये फाइनेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें जो है वो आगे देखने वाले हैं, बट उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए जो कि बिल्कुल भी फ्री है, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो लाते रहता हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से गाड़ी देखते हैं। सो ये है वो शेवरलेट क्रूज़, ये एक 2011 का मॉडल है। सो इसके आप एक बार लुक्स देख लीजिए, और अभी जो मौसम भी है ना वो थोड़ा सा बारिश का हो रखा है, तो आपको इस गाड़ी की जो लुक्स है वो और भी ज़्यादा तगड़ी दिख रही होगी। तो आप यहाँ पे चारों ओर से इसको देख लीजिए, हवा भी अभी बहुत ज़्यादा चल रही तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो आपको ठीक से नहीं आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे आप इस गाड़ी के हेडलैम्प्स एक बार देख लीजिए, जो हेडलैम्प्स है वो आपको कुछ इस तरह के मिलते हैं। ये गाड़ी आपको थोड़ी सी मॉडिफाइड की हुई मिलेगी, तो इसके अंदर थोड़े से आपको जो है वो कस्टमाइजेशंस मिलने वाले हैं, थोड़े आपको मतलब जो इसका लोगो भी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो लोगो है वो रियल में पीले कलर का यहाँ पे रहता है, गोल्डन कलर का रहता है, बट यहाँ पे इसके ऊपर भी पूरा मतलब ब्लैक कलर का कुछ तो भी रैप वगैरह लगाया है, तो इसकी वजह से भी इसका जो लुक है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी भी ब्लैक कलर की है और जो लोगो है वो भी ब्लैक कलर का है। अगर आप गाड़ी के लुक्स देखें तो बहुत ही मतलब आपको मॉडर्न लुक्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये गाड़ी 2011 की है, बट इसके अंदर आपको 2020-21 के लुक्स भी देखने को मिल जाते हैं। और जो हेडलैम्प्स है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर यहाँ पे प्रोजेक्टर प्लस हैलोजन हेडलैम्प्स है, और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मॉडिफिकेशन भी की है शायद से। सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी आफ्टर मार्केट लाइट्स भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको डीआरएल्स वगैरह देखने को मिलती है नीचे, यहाँ पे इस गाड़ी की डीआरएल्स है और यहाँ पे थोड़ी सी आफ्टर मार्केट लाइटिंग की है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। अगर आप इस गाड़ी को बाय करते हैं तो आपको बाद में इसके ऊपर कोई भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस गाड़ी के ऊपर कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे नीचे के साइड में एक फॉग लैम्प है। फिर से एक बार आप इस गाड़ी की लुक्स जो है वो थोड़ी सी दूर से देख लीजिए। गाड़ी जो है ये विथ अलॉय व्हील्स आती है, तो यहाँ पे आप गाड़ी के व्हील्स भी देख सकते हैं। मैं आपको इनके एक बार साइज़ भी बताता हूँ, तो यहाँ पे इसकी साइज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 इंचेस के अलॉयज़ है। जो टायर साइज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 205/60R16, सो कुछ इस तरह के इसके अंदर आपको अलॉयज़ मिलते हैं। जो गाड़ी की लुक है वो कंप्लीट आप साइड से भी देख सकते हैं, जैसे कि एक सीडान कार है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी मतलब इसकी अच्छी लेंथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जिन लोगों को लंबी लंबी गाड़ियाँ पसंद रहती है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ये गाड़ी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो प्लीज़ माइंड मत करना अगर आवाज़ ख़राब आई तो। सो यहाँ पे आप 2.0 की बैजिंग देख सकते हैं, 2.0 की बैजिंग देख सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका जो इंजन है वो आपको 2 लीटर का मिलता है। सो जो यहाँ पे इसका हुड है वो यहाँ से खोलना है, और अभी मैं एक बार इसका आपको इंजन दिखाता हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंजन मिलता है। तो अगर आप इंजन के ऊपर बैजिंग देखें तो VCDI 16V की आपको बैजिंग मिलती है, क्योंकि ये एक डीजल इंजन है। अगर आप इसके पाइप्स वगैरह देखें तो आप यहाँ पे पूरा ही देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा इंजन है, 2 लीटर का इंजन है, बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर पावर देखने को मिल जाती है। डीजल में 2 लीटर का इंजन बहुत मतलब SUVs में आता है आजकल ये इंजन, क्योंकि अभी के जो नॉर्म्स है ये थोड़े से बदल गए हैं।
सो इसको हम बंद कर लेते हैं। सो और एक चीज़ मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता हूँ, इसके जो मतलब विंडोज़ है ये भी थोड़ी सी ब्लैक हो रखी है, जो कि इलीगल है, बट बहुत सारे लोग लगवाते हैं बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा आती है तो उस वजह से ये लगवानी पड़ती है। देन अगर आप इसकी रेयर लुक देखें तो इस गाड़ी की जो रेयर लुक है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। इसका एग्जॉस्ट भी शायद से थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद से इसके ऊपर सिर्फ कवर लगाया है। और जो रेयर लुक है वो आप यहाँ पे पूरी एक बार देख लीजिए, जो इसका पीछे का लोगो है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक किया है। देन यहाँ पे क्रूज़ की बैजिंग है, यहाँ पे VCDI 80 की आपको बैजिंग मिलेगी, हालांकि ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, ये एक मैनुअल गाड़ी है। और यहाँ पे शेवरलेट की बैजिंग है। सो गाड़ी की आप रेयर लुक भी देख सकते हैं, जो पीछे की लुक है इस गाड़ी की वो भी काफ़ी मतलब मॉडर्न है। कंप्लीट आप यहाँ पे इसकी लुक देख सकते हैं, आपको हल्के फुल्के इसके ऊपर स्क्रैचेस देखने को मिल जा सकते हैं बिकॉज जो गाड़ी है वो काफ़ी पुरानी है, 2011 की गाड़ी है, बट आपको मतलब दिक्कत होगी इस तरह के इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर थोड़े थोड़े मतलब हल्के फुल्के स्क्रैचेस है। सो अभी डायरेक्टली मैं इस गाड़ी के अंदर चलता हूँ और आपको इस गाड़ी का जो भी है इंटीरियर दिखाता हूँ। सो इंटीरियर भी इसका काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ पे आप डोर हैंडल्स भी देख लीजिए, ऊपर के साइड में यहाँ पे क्रोम वगैरह लगा है। और ये है गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेगुलर कार्स में पावर विंडोज़ के कंट्रोल आते हैं, तो इसके अंदर भी आपको उस तरह के पूरे ही कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स है, क्योंकि इसकी जो साइड मिरर्स है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और जो डोर ओपनिंग का नॉब है ये आपको क्रोम में मिलता है। तो यहाँ पे अभी गाड़ी आ रही, तो हम दरवाज़ा क्लोज़ कर लेते हैं। जो गाड़ी वो आप एक बार अंदर से भी देख सकते हैं, जो गाड़ी अंदर से वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर दो कंपार्टमेंट किए हैं। देन ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग है, बिकॉज इसके अंदर आपको सामने के साइड में दो एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स देखें तो आपको बहुत सारे यहाँ पे भी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप बीच में देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्रोल्स है। तो इतने सारे बटन्स की वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो लुक है ये थोड़ी सी जो एरोप्लेन का केबिन रहता है उस तरह की दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे बटन्स है, तो इसी वजह से इस गाड़ी को डीजल रॉकेट भी कहते हैं शायद से, बिकॉज़ इसका जो इंजन है वो भी पावरफुल है। और इसका जो केबिन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही मतलब एक शानदार केबिन यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। और जो सीट्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद से आफ्टर मार्केट है बट काफ़ी मतलब अच्छी आपको यहाँ पे सीट्स जो है ये देखने को मिल जाती है। एक बार मैं इस गाड़ी के जो विंडोज़ है वो सारे के सारे क्लोज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप विंडोज़ देख सकते हैं, थोड़े से ब्लैक किए हैं दोनों साइड के, आप विंडोज़ देख सकते हैं। और अभी अंदर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही बिकॉज ये गाड़ी यहाँ पे शुरू थी तो उसकी वजह से उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। सो एक बात मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे रेड कलर की जो है ये पूरी लाइटिंग की है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी मतलब अच्छी लुक आ रही है। यहाँ पे आप मेरे साइड को भी देख सकते हैं, एक मैनुअल गाड़ी है तो यहाँ पे आपको 5-speed मैनुअल का जो है ये गियर बॉक्स मिलता है। देन अगर आप इसका हैंड ब्रेक देखें तो ये मैनुअल है, यहाँ पे एक आपको सिगरेट लाइटर मिलता है, यहाँ पे एक एश्ट्रे भी है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे दो कप भी रख सकते हैं, दो आपको यहाँ पे ग्लास होल्डर में मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। गाड़ी जो है आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। मतलब यही फीचर्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एस्ट्रे वगैरह मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलेगा, तो आपको मतलब कोई भी कॉस्मेटिक इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाले। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो ये मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप ये भी एक बार देख लीजिए। सो ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर। और जो गाड़ी है वो भी मैंने अभी स्टार्ट की है, तो आप थोड़ी सी आवाज़ भी सुन सकते हैं बिकॉज एक डीजल गाड़ी है, तो थोड़ी सी अंदर आपको वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए इसका इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर, 220 की इसके अंदर टॉप स्पीड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा MID डिस्प्ले है जिसके ऊपर ये गाड़ी कितनी चली है वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वो अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन आएगी। वैसे अगर मैं आपको ये गाड़ी कितनी चली है वो बताऊँ तो 1,00,000 के ऊपर कुछ तभी चले, 1,30,000 कुछ तभी ये गाड़ी चली है, तो ये आप चीज़ नोट कर लें। बाकी गाड़ी पूरी ही अच्छी कंडीशन में है। एक बार मैं इसको इंजन बंद कर लेता हूँ। और इस गाड़ी के अंदर आपको बटन स्टार्ट आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको एक अच्छा फीचर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। बस आपको एक बटन दबाना है और गाड़ी शुरू हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको 2011 की गाड़ी के अंदर इतना अच्छा फीचर आ रहा है तो आप सोच सकते हैं, वो टाइम पर इस गाड़ी की प्राइस अराउंड 16-20 lakh के बीच में थी, तो उसके हिसाब से अभी की जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि मैं अभी लास्ट में बताऊँगा। सो अभी हम चलते हैं रेयर सीट्स के ऊपर। सो यहाँ पे अभी हम चलते हैं यहाँ पे रेयर सीट्स के ऊपर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
जो रेयर सीट्स है वो भी आप यहाँ पे पूरी ही देख सकते हैं। आपको यहाँ पे लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। सो जो आगे की सीट्स है ना वो बहुत मतलब पीछे की है, इस वजह से आपको यहाँ पे कम दिख रही होगी, बट काफ़ी अच्छी लेग स्पेस है। एक बार मैं वो सीट थोड़ी सी आगे करके आपको दिखाता हूँ, कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैं आपको ये सीट थोड़ी सी आगे करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीट जो है ये बहुत पीछे कर रखी है। सो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से पीछे लेनी है, तो यहाँ पे एक मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस कुछ इस तरह का रहता है गाड़ी का। और अभी मैं आपको यहाँ पे पीछे का दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मेरी हाइट जो है ये 6 फीट है, तो उसके हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छी लेग स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगेन मैं अगर आपको स्पीकर्स वगैरह दिखाऊँ तो यहाँ पे पीछे के साइड में डोर के अंदर यहाँ पे नीचे आपको स्पीकर्स मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको नीचे स्पीकर्स मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पे ठीक से देखें तो यहाँ पे ये वाले जो ये ट्विटर्स है, अभी थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि गाड़ी में अंधेरा भी थोड़ा ज़्यादा है। सो कुछ इस तरह से आपको अंदर से गाड़ी देखने को मिलती है। एक बार मैं आपको इस गाड़ी की जो ये बूट भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसकी बूट दिखाना भूल गया। सो एक बात मैं आपको इस गाड़ी के टेल लैम्प में भी दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप ये टेल लैम्प देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके अंदर भी थोड़े से जो है वो मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, शायद से टेल लैम्प पूरे ही चेंज है। एंड देन इसके अंदर आपको रनिंग इंडिकेटर्स मिलते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BMW के आपको यहाँ पे इसके अंदर टेल लैम्प मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं। मुझे पर्सनली जो इसके टेल लैम्प है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो बूट यहाँ पे आप की से भी खोल सकते हैं, बस आपको ये बटन यहाँ पे दबा के रखना है। सो इसको मैं एक बार पूरा ही ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है, इसके अंदर आपको एक वूफर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक वूफर देखने को मिलेगा। जो साउंड सिस्टम है इस गाड़ी के अंदर वो अपडेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं JBL का आपको एम्पलीफायर भी देखने को मिलता है। सो गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी जो है वो बूट स्पेस मिलती है, उसके अलावा आपको गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो वो चीज़ हमने नहीं दिखाई अभी तक। सो जो गाड़ी का साउंड सिस्टम है वो भी मैं आपको लास्ट में सुना देता हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा जो ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है। और अभी मैं आपको इस गाड़ी का एक बार साउंड सिस्टम सुनाता हूँ, तो यहाँ पे 93.5 FM लगा हुआ है, बिकॉज़ फ़ोन कनेक्ट करने में टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे तो अभी जो गाना शुरू था वो मैंने आपको सुना के दिया। सो काफ़ी मतलब अच्छी यहाँ पे साउंड क्वालिटी मुझे देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो अभी जो लाइट का कलर है वो भी चेंज हुआ है। सो शायद से चेंज भी करते आया था, इसका कहीं पे रिमोट भी होगा। सो वो हमने यहाँ पे अभी तक नहीं देखा, बट उस चीज़ का यहाँ पे रिमोट भी हो सकता है, बिकॉज जो लाइट्स है वो चेंज हो रही है। अभी ये ब्लू हो रखी है, इसके पहले ग्रीन थी। तो जो मतलब आपको इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ मिलती है। अगर आप रेयर साइड में भी देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह लगी है। देन अगर मैं आपको लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँ, तो ऊपर यहाँ पे एक सनरूफ भी है, तो ये आपको एक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर मिलता है। आपको वो टाइम के सिर्फ होंडा सिविक के जो टॉप मॉडल था उसके अंदर ये सनरूफ आता था, तो इस गाड़ी के अंदर वो सनरूफ आता है। एंड देन मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ एक बार। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अप डाउन होता है और यहाँ से ये खुलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से खुलता है, स्टेजेस में खुलता है शायद से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक स्टेज में खुल रहा था। सो अभी ये पूरा का पूरा खुल गया है। और अभी आप देख सकते हैं जो सनरूफ है वो बहुत ही मतलब डिसेंट है, यहाँ पे आपको साइज का सनरूफ मिलता है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। सो अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में, तो चलिए चलते हैं बाहर। सो ये थी शेवरलेट क्रूज़। शेवरलेट जो है इसके ब्रांड का नाम है, और जो क्रूज़ है वो इसका मॉडल का नाम है। सो जो गाड़ी है वो ब्लैक कलर में है। और अभी हमने इसकी जो ये कंप्लीट कंडीशन देखी, इसके जो फीचर्स है वो हमने एक्सप्लोर किए। अगर मैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ये 2011 की है, और इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल कोई भी क्रूज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। ये गाड़ी जो है ये विथ सनरूफ आती है, तो यहाँ पे आप ऊपर के साइड में इसका सनरूफ भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया। और ये गाड़ी जो है ये 1,30,000 किलोमीटर के अराउंड कुछ तो भी चली है। अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है यहाँ पे 4.5 लाख में अवेलेबल है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। मतलब आप प्राइस जो है ये इसके अंदर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको ये काफ़ी अच्छी मतलब डील मिल जाती है। आप बोलोगे कि 3-3.5 लाख में जो ये शेवरलेट की क्रूज़ मिल जाती है, तो हाँ मिलती है, बट जो कंडीशन रहती है वो भी आप मतलब सोच सकते हैं, आपको मतलब काफ़ी गई गुजरी कंडीशन में वो गाड़ी मिलेगी। और इसके अंदर आपको थोड़े से मॉडिफिकेशन भी मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो
इसका ओनर है उसने थोड़ा सा इसके ऊपर खर्चा भी किया है, तो इस वजह से इस गाड़ी की जो प्राइस है वो कोट की है 4.5 लाख। आप यहाँ पे आके जो है वो इसके अंदर नेगोशिएट भी कर सकते हैं, और जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। मैंने ये गाड़ी आपको स्टार्ट भी करके दिखाई, जो इंजन है वो भी काफ़ी क्लियर है, आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो आप कार मॉल के अंदर आके विजिट करना ना भूलें, और अगर आपको ये वाले वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।